छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ में कई उद्योग चल रहे हैं जो शासन के नियमों को ताक में रखकर अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण एवं मानव को काफी हानि पहुंच रही है। इसी कड़ी में रायगढ़ जिले के गेरवानी रूपाणा धाम स्टील उद्योग एवं गुड़ेली टिमरलगा में संचालित क्रेशर उद्योग से प्रदूषण होने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों को RTI के माध्यम से जानकारी मिली है, जिस पर सांसद प्रतिनिधि नंदू लहरे ने राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम को मामले से अवगत कराया है। वहीं फूलो देवी नेताम ने रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह को तत्काल पत्र लिखकर इन उद्योगों के बारे में विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी देते हुए उचित कार्यवाही करने की मांग की है। बता दें कि इन उद्योगों से भारी मात्रा में प्रदूषण फैल रहा है, जिससे वहां के मजदूरों एवं ग्रामीणों को कई प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। यहां तक कि इस प्रदूषण से उनकी मृत्यु भी हो रही है। वहीं इन उद्योगों के लिए शासन की ओर से कई मापदंड तय किए गए हैं, परंतु ये उद्योग उन मापदंडों को दरकिनार कर मनमाने ढंग से उद्योग संचालित कर रहे हैं। उद्योगों के कारण मानव समाज को हानि हो रही है, इसके अलावा पर्यावरण को भी भारी क्षति पहुंच रही है। वहीं सांसद फूलो देवी नेताम ने इन मुद्दों को राज्यसभा में उठाने की बात कही है, जिसकी जानकारी सांसद प्रतिनिधि नंदू लहरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी दी है। रायगढ़ सारंगढ़ से श्याम कुमार पटेल की रिपोर्ट। साक्ष्य के आधार पर जो RTI कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों ने जो मुझे बताया कि टिमरलगा और गुड़ेली और आसपास के क्षेत्रों में जिस तरह से प्रदूषण का खेल चल रहा है और वहाँ कार्यरत मजदूरों की जो है अकाल कम उम्र में ही मौत हो रही है, तो उन्होंने इसको गंभीरता से लेते हुए मुझे कहा कि ये कलेक्टर साहब हैं और उनको तुरंत पत्र दीजिए आप और उस पर जाँच करते हैं और उसके बाद फिर वहाँ से जो परीक्षण होकर के जो आएगा तो मैं इसको राज्यसभा में रखूँगी। और ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है कि क्रेशर उद्योगों के द्वारा इस तरह के जो श्रम कानून है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। उनका न तो बीमा है, न उनके पास में मजदूरों का कोई लिस्ट है, न कोई जानकारी है इन उद्योगों के पास में। ये सिर्फ अवैध उत्खनन करने का एक जरिया बन गया है। इस कार्य में संलिप्त लोगों के खिलाफ किस प्रकार से कार्यवाही की जानी चाहिए? देखिए, मेरा ये कहना है कि पैसा कमाना ये अलग बिंदु है, लेकिन उद्योगों को इसलिए नहीं दिया जाता है परमिशन कि आप जो है लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करें। आपको पर्यावरण की रक्षा करना है, आपको प्रदूषण की रक्षा करना है। ये जो डस्ट निकल रहा है, इससे जो कार्यरत श्रमिक हैं, जो आसपास में जो काम करते हैं, उनके कारीगर जो उनके हितैषी बने हुए हैं कि हम इस उद्योग में लग करके हमारा जीविकोपार्जन चला रहे हैं, उनको भी नहीं मालूम कि वो जो है 4 साल 5 साल 6 साल बाद उनकी भी मृत्यु हो जाती है और उनको समझ में नहीं आता है कि वो किसकी वजह से हो रहा है। और मैं तो बड़े ताज्जुब हो गया कि मैं भी इस क्षेत्र में लंबे समय से हूँ, लेकिन मेरे भी ध्यान में ये बात नहीं आया। लेकिन जब RTI कार्यकर्ताओं ने पूरे एक्सरे वगैरह जांच रिपोर्ट और मेडिकल और वहाँ पे जो उन्होंने स्वास्थ्य शिविर लगाया उसके बारे में जब वो जानकारी दी, तथ्यात्मक जानकारी दी, तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। तो ऐसे उद्योगों के खिलाफ में हमारा ये कहना है कि उद्योग धंधे तो चलते रहेंगे, सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। और दूसरा बिंदु आपके सामने ये रखना चाहूँगा कि ये लोग इतनी गहराई में जाकर के विस्फोट कर रहे हैं, जिसको नक्सली लोग जो बारूद का यूज करते हैं, ऐसे प्रतिबंधित बारूद से विस्फोटक पदार्थों का ये लोग प्रयोग करते हैं, जिससे पूरे आसपास के जो क्षेत्र हैं उनकी स्थिति सर्व मकान में जर्जर हो गया है। और कभी भी ऐसी स्थिति में जर्जर मकान ढह सकता है और कई प्रकार की अनहोनी हो सकती है। साथ में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि उद्योग का एक मापदंड है कि इतनी गहराई तक ही आपको यहाँ से उत्खनन करना है, लेकिन आप वहाँ देखेंगे कि खाई भरा पड़ा है और जब खाई कर लिए ये लोग पत्थर निकाल लिए तो उसकी भराई करना है, वहाँ पर वृक्षारोपण करना है, लेकिन यहाँ पर दूर दूर तक ऐसी कोई संभावना नहीं है। और प्रदूषण से पूरा जो है टिमरलगा और गुड़ेली क्षेत्र जो है उसका भरमार है। तो इस पर तो माननीय राज्यसभा सांसद जी ने कलेक्टर सर को पत्र लिखा है और बहुत ही संवेदनशील कलेक्टर हैं। जैसे ही पत्र उनको मिला उसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई गुड़ेली टिमरलगा के चुनाव खदानों में हो रहा है। और जैसे ही कलेक्टर साहब का प्रतिवेदन जाएगा तो माननीय सांसद जी का कहना है कि मैं इसको सदन में रखूंगी और ऐसे उद्योगों के खिलाफ में कठोर से कठोर कार्रवाई सदन के माध्यम से कराई जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।